सकते हैं, ओट्स के चीले ले सकते हैं, इसके अलावा पुआ वगैरह भी ले सकते हैं, और यदि आप चाय पीते हैं तो आधा कप चाय ले लीजिए ब्रेकफास्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिससे आप घर में करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। कुछ लोग जिम वगैरह नहीं जाना चाहते, घर में एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। आज जो मैं एक्सरसाइज बताऊंगी उसे आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन करना है, फिर अगले हफ्ते मैं आपको अगली एक्सरसाइज बताऊंगी, आपका वेट लॉस 100% होगा। कुछ डाइट टिप्स भी दूंगी मैं आपको लास्ट में। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज वगैरह जरूरी नहीं है, केवल हम डाइटिंग कर लेंगे उससे हमारा वेट लॉस हो जाएगा। डाइटिंग करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। इसलिए डाइटिंग के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज भी कीजिए। डाइटिंग की टिप्स मैं आपको आगे दूंगी, आपका वेट लॉस 100% होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमें जंप लगानी है, ये भी हमें 50-50 के 4 सेट करने हैं। यदि आपके अंदर स्ट्रेंथ है तो आप 500 तक भी लेके जा सकते हैं। स्ट्रेंथ नहीं है तो 50-50 के 4 सेट आपको कम से कम जरूर करने हैं इसके। फ्रेंड्स, ये है जंपिंग जैक्स, इसके हमें 50-50 के 4 सेट करने हैं। और यदि आप अभी स्टार्ट करें एक्सरसाइज करना तो 25-30 से स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाइएगा। फ्रेंड्स, ये हाई नी, इसके भी हमें 50-50 के 4 सेट करने हैं। और यदि आप स्टार्ट करें एक्सरसाइज करना अभी तो आप 30-30 के भी 4 सेट कर सकते हैं। ये है प्लैंक जैक, इसके भी हमें 50-50 के 4 सेट कर रहे हैं। और यदि आप स्टार्ट करें भी एक्सरसाइज करना तो आप 25-30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम 4 सेट आपको जरूर करने हैं। अब जो मैं एक्सरसाइज बताने वाली हूँ फुल बॉडी का फैट कम करने में आपकी हेल्प करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसे करना बहुत जरूरी है। यदि आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आप इसे 20 भी कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ यदि आपकी कम है तो आप कम से कम इसे 10 जरूर कीजिए। इससे हमारी फुल बॉडी का फैट कम होने में हमें हेल्प मिलती है। ये बर्पीज, ये फुल बॉडी का फैट कम करने में हेल्प करती है। यदि आप सच में अपनी पूरी बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को आप जरूर ऐड कीजिए। फ्रेंड्स, ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई है फुल बॉडी के लिए, धीरे धीरे इस एक्सरसाइज की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, ये जो आपको आगे पता चलेगा। आप इन एक्सरसाइज को कम से कम 5 दिन कीजिए। फिर बाहर ना आवाज़ नहीं आ रही मेरी, क्योंकि हमारे जो घर है वो मेन रोड पर है, तो कुछ ना कुछ निकलता रहता है, इसलिए बाहर में ज़्यादा बोल नहीं पा रही थी। इन जितनी भी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं उनके 4-4 सेट करने हैं आपको। स्ट्रेंथ जब आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो एक्सरसाइज का लेवल भी बढ़ता जाएगा। 100% आपका वेट कम करने में ये एक्सरसाइज हेल्प करेंगी। रही बात डाइट की, डाइट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेना है, जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में शेयर किया हुआ है। उस डिटॉक्स ड्रिंक को आप एक हफ्ते लीजिए। उसके बाद आपको 5-6 बादाम खाने हैं भीगे हुए, और जो ब्रेकफास्ट है उसमें आप हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। आप चीला ले सकते हैं, मूंग की दाल का चीला ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, ओट्स के चीले ले सकते हैं, इसके अलावा पुआ वगैरह भी ले सकते हैं। और यदि आप चाय पीते हैं तो आधा कप चाय ले लीजिए ब्रेकफास्ट में, और उसके बाद आप 2 घंटे बाद कोई ना कोई फल जरूर खाइए, जैसे संतरा। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो संतरा खा सकते हैं आप। जितने भी जो फूड होते हैं जिसमें विटामिन सी होता है, वो फ्रूट आपको खाने हैं उस 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद। इसके बाद आप जो लंच करेंगे उसमें आप नॉर्मल लंच लीजिए, रोटी लीजिए, दाल लीजिए, या तो 2 रोटी ले लीजिए। रोटी नहीं लेनी आपको तो आप चावल ले लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कार्ब जरूर लेने हैं। शाम के समय आप ग्रीन टी ले सकते हैं 4 बजे। मुझे तो चाय की आदत है, मैं चाय लेती हूँ, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ग्रीन टी लीजिए, उसके संग थोड़े से मखाने ले लीजिए भुने हुए। और रही बात डिनर की, डिनर में यदि आप कार्ब्स कट करेंगे तो आपका वेट लॉस बहुत तेजी से होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सूप ले सकते हैं। अभी जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है तो टोमेटो सूप ले सकते हैं। अब मैंने काशी फल का सूप लेती हूँ मैं आजकल, पम्पकिन का सूप, वो भी वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है। इसके साथ आप 4-5 अंडे ले सकते हैं, क्योंकि हमारी डाइट में प्रोटीन होना बहुत जरूरी है। एग वाइट लेना है आपको, यदि आप एग वाइट नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, तो उसकी जगह आप पनीर ले सकते हैं, लेकिन प्रोटीन आपको जरूर ऐड करना है। हम वेट लॉस पे होते हैं, अपने फैट लॉस पे होते हैं, तो प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, उसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने आपको जितनी भी एक्सरसाइज बताई हैं, जितने भी डाइट टिप्स दिए हैं, वो आपके 100% हेल्प करेंगे आपके वेट लॉस में।
मैं नेक्स्ट वीक आपको नई एक्सरसाइज जरूर बताऊंगी, जब तक आप इनको फॉलो कीजिए, अपने रिजल्ट को मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, यूजफुल लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, जिससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।